हेलो नमस्कार दोस्तों, 16 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन ना वो स्टार्ट करें। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये एडिटोरियल है मैन, यहाँ पे जो छोटा वाला एडिटोरियल है, ये एक्चुअली यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है जिनकी जम्मू एंड कश्मीर में हत्या वो कर दी गई है, जिनका नाम है सुजात बुखारी। तो उनको लेके इस आर्टिकल के बारे में, इस आर्टिकल में बताया गया है। तो डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट हमारे लिए, डेमोक्रेसी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है वो होते हैं। यहाँ पे जो मेन आर्टिकल दिया हुआ है बड़े पेज पे, जो फ्रंट आर्टिकल दिया हुआ है, ये आर्टिकल है एक्चुअली, ये दिया गया है मेनली इंडिया में जिस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं और उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान प्रॉब्लम है वो आ रही है, उसके बारे में इसको बताया गया। तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है, ये आर्टिकल दिया गया है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म के मॉडल को डिस्कस किया गया है कि भाई इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है और बाकी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से किस प्रकार डिफरेंट है। तो इसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ पर जो कॉर्नर में नीचे छोटा आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल दिया गया कि भाई अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुगर केन, मतलब जो किसानों को गन्ने उगाते हैं उनके लिए, उनको 7,000 करोड़ रुपए हैं वो दिए हैं, मतलब उनका बकाया पड़ा था उसके लिए। तो राइटर के द्वारा कहना है कि देखो लोन माफ करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, हमें जो रूट है उसकी तरफ फोकस करना होगा। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस वो करेंगे। ये यहाँ पे आज सैटरडे है तो ग्राउंड जीरो भी आर्टिकल है, उस पर बताया गया है। तो ये मेनली शिमला की जो भी रिसेंटली वाटर क्राइसिस की सिचुएशन है उसको डिस्कस किया गया कि गवर्नमेंट को पहले स्टेप उठाने चाहिए थे, बट गवर्नमेंट पहले तो आंख बंद के सो रही थी और अभी सडनली प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक टूरिज्म सेक्टर होने के नाते भी प्रॉपर सोल्यूशन वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। तो इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा पॉइंट दिए गए नहीं, हमारे लिए कुछ काम का है नहीं, बस ये बात इसमें बताई गई। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है उसको देखते हैं। आर्टिकल में बताया गया है कि देखो इंडिया, एक तरीके से मतलब थोड़ा इंट्रो दिया गया है कि टेम्पल और स्टेट में किस तरीके से डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों अलग अलग काम है वो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई इंडिया में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो कब ऐड किया गया। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि आज़ादी के टाइम से इस चीज़ को ऐड नहीं किया गया था, ये ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन में जो हुआ था 1976 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, 1976 में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्रीएम्बल में ऐड है वो किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री का यहीं पे बन जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करके चलना है। थोड़ा फिर इसमें बैकग्राउंड दिया गया है कि देखो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक्चुअली बहुत अलग है। इंडिया का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्रीज से अलग है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे यूके का, कि यूके वो एक सेकुलर कंट्री नहीं है, वहाँ पे एक धर्म की ज़्यादा वैल्यू होती है, देखा जाए तो वहाँ पे चर्च की ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब देखो पुराने टाइम से आप एग्जाम्पल ले लो, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि देखो वहाँ पे जिस तरीके से ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लो, इटली का, कि वहाँ पे क्या होता था, चर्च में जो पादरी होते थे उनकी, जो फादर होते थे उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, जो वो डिसाइड करते थे वही रूल फाइनल होते थे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट के ऊपर होते थे चर्च और पादरी के जो हेड होते थे वो। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है और वहाँ पे जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में गवर्नमेंट डायरेक्टली धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली हस्तक्षेप भी करती है। बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज में अदर सीन कुछ अलग तरीके से होता है। वहाँ पर यह सीन होता है गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, चाहे जो भी हो रहा है वो होने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है धर्म के बारे में, या फिर ऐसा होता है कि धर्म के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो वगैरह करती हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंडिया वाले की बात है। देखो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट वो ब्रिटिश इरा से स्टार्ट हो चुका था मेनली इंडिया में। आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे कम था ज़्यादा था, स्टार्ट तो हो ही गया था ना, चाहे थोड़ा बहुत मॉडल स्टार्ट हो धर्मनिरपेक्ष का या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे इंडिया में, वो इंडिया के लोगों को थोड़ा सप्रेस करते थे और जो लोअर क्लास के लोग थे उनको दबाते थे। तो धीरे धीरे ये मॉडल सामने आया कि नहीं नहीं भाई ब्रिटेन है वो खुद देखा गया ना सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो धीरे धीरे लॉन्च करना शुरू किया। बात कुछ इस तरीके हुई कि फिर इंडिया का मॉडल अंत में डिफरेंट है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो डायरेक्टली स्टेट सक्सेप्ट किस प्रकार नहीं करता है, इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपको करंट एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे कि 3 तलाक का इशू ले लो या फिर आप ले लो कि चाइल्ड मैरिज का। देखो कुछ धर्मों में देखा जाए तो इवन हिंदू धर्म में पहले चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो देखा जाए तो हिंदू धर्म कह सकता था कि भाई देखो हमारे धर्म में प्रावधान है कि चाइल्ड मैरिज की जानी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को इस तरीके से दूसरे तरीके से एंगल से उन्होंने क्लियरफाई किया कि भाई देखो चाइल्ड मैरिज है वो लड़कियों के लिए सही नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उनके ऊपर बर्डन बढ़ता है। तो ओल्ड तरीके से देखा जाए तो हम लोग सिविल कोड, सिविल राइट के नज़रिए से उन्होंने देखा और ना कि धर्म के नज़रिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं धर्म में हस्तक्षेप तो किया ना। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक का इशू दिया जा रहा था कि भाई देखो हमारी शरीयत में लिखा हुआ है ट्रिपल तलाक वगैरह के बारे में, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी क्लियरिफाई किया। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि हमारे देश में गवर्नमेंट क्या है, धर्म में हस्तक्षेप करती है बट डायरेक्टली नहीं करती कि भाई हाँ आप लोगों को ये धर्म मानना है, ये करना है फॉलो, ऐसा कुछ काम नहीं है। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लो रिसेंटली एग्जाम्पल हज सब्सिडी का। गवर्नमेंट जो यात्रा, जो मुस्लिम लोग हज यात्रा पर जाते हैं उनको
सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो हेल्थ सब्सिडी भी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल ही होगा ना कि गवर्नमेंट एक तरीके से इनडायरेक्टली धर्म को आप कह सकते हो कि प्रमोट ही तो कर रही है कि भाई जो आदि जो हज यात्रा में जाएगा उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों के धर्म को फैलने फूलने के लिए सभी को कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में गवर्नमेंट किसी के लिए कोई हेल्प नहीं करती, जिसको अपना धर्म फैलाना बढ़ाना है गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प है वो करती है। बाकी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में इस तरीके से सीन वो नहीं होता है, वहाँ पर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है या तो कि वो गवर्नमेंट धर्म को कोई मतलब तवज्जो नहीं देती, सबको जो कुछ करना वो अपने पैसे से करे, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट गरीब लोगों की मदद भी करती है, उनको जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे कि आप देखते हो तीर्थ यात्रा जाने होते हैं हिंदू धर्म के लोगों को तो वहाँ भी उनको सपोर्ट करती है, गुरुद्वारे वगैरह में लंगर वगैरह के लिए हो या फिर वहाँ पे टैक्स वगैरह में छूट दी जाती है, ऐसा अदर कंट्रीज़ में नहीं होता है। तो इंडिया में गवर्नमेंट एक तरीके से धर्म को प्रमोट भी तो कर रही है ना, बट वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रमोट नहीं करती कि हाँ भाई हिंदू धर्म को प्रमोट करना है, हाँ भाई मुस्लिम धर्म को प्रमोट करना है, वो बात यहाँ पे क्लियर भाई हो गई है। इसके बाद में फिर राइटर बता रहे हैं कि देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन का काम होता है वो अलग होता है और धर्म का काम अलग होता है। तो प्रशासन अपने तरीके से काम करता है, धर्म अपने तरीके से काम करता है, बट अगर धर्म प्रशासन के रास्ते में आ जाता है तो प्रशासन कुछ एक्शन है वो लेता है और फिर वहां पे रूल रेगुलेशन वगैरह को या लॉ ऑर्डर को मेंटेन वो किया जाता है। इसके बाद में देखो बात आगे की जा रही है कि धर्म के आधार पे इंडिया में लोगों को अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो आज़ादी से पहले आपको पता है कि इंडियन इवन आप देख सकते हो कि इंडिया के मुस्लिम और बाकी वर्ल्ड के सऊदी अरब जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के मुस्लिम में काफ़ी डिफरेंस है। ये केवल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तरीके से चीज़ सामने आ रही है ना कि भाई कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इंडिया के जो लोग हैं ना वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, यहाँ के लोग आपस में एक तरीके से अच्छे से कनेक्टेड हैं, उनके लिंक हैं वो एक दूसरे काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं उनमें। तो उन लोगों को अगर आप धर्म के नाम पर अलग करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो अपनाया बट उसमें कॉन्सेप्ट ये रखा कि भाई गवर्नमेंट है वो किसी धर्म का अनादर नहीं करेगी, नहीं किसी धर्म को ऐसे कि ज़्यादा वैल्यू देगी, सबको इक्वल प्रोटेक्ट सबको इक्वल वैल्यू वगैरह दी जाएगी। किसी भी धर्म को अगर कोई भी इशूज़ वगैरह है तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन वगैरह है वो किया जाएगा। बट आपको बताया जैसे रिसेंटली कि चर्च इंग्लैंड में आज भी क्या होता है कि चर्च के जो पादरी वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूल है वो फॉलो होगा, किस तरीके से उसको काम करना है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे खाप पंचायत का एग्जांपल ले सकते हो, खाप पंचायत अगर अपने कोई भी डिसीजन देती है तो उसको आपको पता है कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि खाप पंचायत है वो वैलिड नहीं है, उनके डिसीजन को ऑलरेडी हमारे जो संवैधानिक बेंच है उन्होंने उनको नल दे दिया कि भाई वो सही काम ढंग से काम नहीं कर रही है, ना ही उनका ये काम है और वो कोई भी जुडिशरी वगैरह काम नहीं कर सकती। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि हमारे देश में गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है बट हमारा देश का मॉडल है वो कुछ अलग है। बाकी अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट या तो न्यूट्रल अप्रोच में रहती है, मतलब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, चाहे मरना है मरो जीना है जियो, बट यहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है कि सभी धर्मों को फैलने फूलने का मौका वो दिया जाता है। तो इस तरीके से राइटर के द्वारा लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि भाई इंडिया का जो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है ना वो प्रोग्रेसिव मॉडल है, मतलब लगातार गति कर रहा है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब तो ये हो गया कि गवर्नमेंट ना पैसा देगी ना कुछ हस्तक्षेप करेगी, जिसको मर रहा है वो मरने दो, जिस जो अपने धर्म की आगे फैला रहा है वो फैलाता रहेगा, जो नहीं फैला रहा उसको कुछ नहीं हेल्प करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोग्रेसिव मॉडल है, सभी धर्मों को इक्वल सपोर्ट है वो दिया जाता है। तो ये सारा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, एग्जाम में आपको बहुत ढंग से यूज है करने, क्योंकि एग्जाम में धर्म वगैरह का मैटर काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, तो आपको पॉइंट्स बहुत चुन चुन के यूज है वो करने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जम्मू एंड कश्मीर के पीस के बारे में। इस आर्टिकल में देख लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली कंटेक्स्ट आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था सुजात बुखारी, इनकी एक्चुअली अभी हत्या गोली मार के वो कर दी गई थी। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि देखो बात ऐसी है कि जर्नलिस्ट की हत्या कोई पहली बार हत्या नहीं हुई है, इससे पहले भी त्रिपुरा में लास्ट ईयर गौरी लंकेश की हत्या वो कर दी गई थी, और इससे पहले कर्नाटक में लास्ट ईयर हुई हत्या हुई थी, और जो केरल है वहाँ पर भी एक जर्नलिस्ट की हत्या वो कर दी गई थी। तो यहाँ पर एक सवाल बड़ा उभर के आता है कि देखो डेमोक्रेसी का जो आप कह सकते हो कि चौथा पिलर है वो कहा जाता है मेनली मीडिया को या जर्नलिज्म को, मतलब जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं जर्नलिज्म वगैरह जो होते हैं आप बोल सकते हो तरीके से मीडिया ले लो एग्जांपल ज्यादा बेटर रहेगा, कि मीडिया है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है, लोगों को अवेयर भी करवाती है, सारे बहुत सारे उसके काम है सही और गलत के बारे में लोगों को प्रॉपर गाइड है वो करती है। बट देखा जाए कहीं ना कहीं मतलब फोर्थ पिलर की गवर्नमेंट है वो रक्षा नहीं कर पा रही है, देख सकते हो किस तरीके से जर्नलिस्ट की हत्या वो कर दी जा रही है। देखो ये जो ये सुजात बुखारी थे इनका रोल काफ़ी अच्छा था, मतलब ये गवर्नमेंट को जो सच था उसी का सपोर्ट करते थे, मतलब जो क्लियर था उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन वो करते थे, गवर्नमेंट सही कर रही है तो उसको बारे में ये फेवर करते थे, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसका विरोध करते थे, सही ढंग से प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, मतलब कोई भी राजनीतिक खेल वगैरह वो नहीं चलते थे। तो अभी हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि रिसेंटली सीज़ फायर किया गया था ईद के मौके पर कि भाई कोई भी लड़ाई वगैरह गोली वगैरह नहीं चलाई जाएगी, बट हुआ क्या इनकी जो हत्या वो कर दी गई, क्योंकि ये एक्चुअली वहाँ पे जो रिसेंट हालात थे, जो वहाँ पे अलगाववादी हैं सेपरेटिस्ट हैं वो किस तरीके से
पाकिस्तान से हेल्प लेके, फंडिंग लेके और इंडिया में जो मतलब आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उसको एक्चुअली सामने लेके आ रहे हैं, मतलब उनका पर्दाफाश किया था इन्होंने सुजात बुखारी ने, और इसीलिए उन्होंने इसकी हत्या वो कर दी है। अभी देखो डायरेक्टली नाम तो मेंशन नहीं हुआ कि इन्होंने इसकी हत्या वगैरह की है, बट फिर भी मैंने आपको जो बता दी जो भी रिसेंटली जो न्यूज़ वगैरह का जो कंटेक्स्ट है वो आपको बताया, ताकि चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियरफाई हैं वो हो जाएँ। बात ये की जा रही है कि ये देखो पहले द हिंदू में एक तरीके से वहाँ पे द हिंदू में भी इन्होंने काम किया था जम्मू एंड कश्मीर में, फिर इन्होंने जो सुजात बुखारी हैं इन्होंने अपना नया चैनल बना दिया जिसका नाम है राइजिंग कश्मीर, और ये उसके एडिटर भी थे और फाउंडर वगैरह भी थे। तो ये बात यहाँ पे की जाती है। फिर राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जो अलगाववादी की जो पॉलिसी है वो कुछ अलग है, अलगाववादी ये चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग करना, इसलिए वो क्या करते हैं कोई भी चाहे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई भी बातचीत होती है उस चीज़ का वो सपोर्ट नहीं करते हैं, और उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो मीन में क्या बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में कमी निकालने की कोशिश करते हैं और उसका मिसयूज़ करने की पूरी पूरी कोशिश है वो करते हैं। और इसीलिए उन्होंने रिसेंटली देखा कि भाई सुजात बुखारी हैं वो उनका जो बोलते हैं कि सच है वो सामने लेके आएंगे, और इसी वजह से वो हत्या है वो उनकी कर दी गई है। फिर देखो यहाँ पे बात आती है कि भाई अब सॉल्यूशन क्या करना है वो बताइए, हत्या तो इनकी लगातार की जा रही है, डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं एक तरीके से कलंक वो लगता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है वो नहीं है। देखो सॉल्यूशंस की बात ही है, जब सीज फायर का उल्लंघन हो गया है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो देखना चाहिए जो रूट है वो देखना चाहिए कि भाई जड़ कहाँ पे है, क्यों ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, क्यों जर्नलिस्ट की हत्या की जा रही है और किस तरीके से उनको रोका जा सकता है। मतलब एक तरीके से प्रॉपर सर्वे वगैरह के थ्रू आइडेंटिफाई करना होगा कि जर्नलिस्ट की हत्या की जा रही है तो कौन इसके पीछे है और उसके लिए प्रॉपर उचित एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पे वोट बैंक की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है वोट बैंक का खेल खेलती रहती है कि चलो यार अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो मामले को थोड़ा सेटलमेंट करके चल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले इलेक्शन जीत गए तो हम करेंगे, नहीं फिर अगली गवर्नमेंट जाने वो जाने। तो राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को साथ आना होगा, क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट का है ऑब्वियसली नो डाउट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें काफ़ी अहम रोल निभाना होगा, इसके साथ ही और बहुत सारे स्टेप उठाने होंगे, रीजन आइडेंटिफाई करके जो भी जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, इसलिए जर्नलिस्ट वगैरह हैं जो भी मीडिया है उनकी मीडियाकर्मी की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी हर कोई आदमी टूचा उचाए और उनको मार के चला जाए, बेटर ये होगा कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हो कहाँ से रहें और उसके बाद उचित एक्शन लेना चाहिए और कड़ा जवाब है वो देना चाहिए। और देखो सॉल्यूशंस निकलने वाला है वो बातचीत से निकलने वाला है, तो उसी तरीके से एक्शन है वो हमें लेने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आँख बंद करके जो जर्नलिस्ट वगैरह है इनकी हत्या हो रही है और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन है वो ना ले रही हो। लास्ट में बिफोर में ये राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि देखो गवर्नमेंट है उसको पहले रीजन आइडेंटिफाई करके और जो सेंटर और स्टेट दोनों को साथ आना होगा, जब स्टेट और सेंटर दोनों साथ आ जाएंगे तभी जो काम है वो आसान हो पाएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी वगैरह को सुनिश्चित है वो करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन वगैरह है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है शुगर सेक्टर के बारे में। कंटेक्स्ट आपको से मैंने भी आपको बताया था कि शुगर इंडस्ट्री है वो काफ़ी लॉस में जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ जो किसानों का बकाया पड़ा था वो पैसा अभी दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी बात नहीं है कि ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया, इससे पहले भी काफ़ी गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं पॉपुलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ है वो करती हैं। हर सरकार क्या करती है जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आती है कि भई हम आपका लोन माफ़ कर देंगे। जैसे कि आप रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हैं, लास्ट ईयर यूपी में इलेक्शन हुए थे तो किस तरीके से किसानों का लोन माफ़ करने की बात हो की गई थी। अब देखो आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, खैर वो आर्टिकल में ही दी गई है यहाँ पे, बट पीछे हमने काफ़ी बार आर्टिकल में उसको डिस्कस किया है। जब यूपी का एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह का कोई रोल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेन जो कंटेक्स्ट है उसकी तरफ फोकस करेंगे। जैसे यूपी में जो रिसेंटली बीजेपी थी, अब उन्होंने क्या कि किसानों का लोन तो माफ़ कर दिया, बट आपको पता है कि मैक्सिमम किसान है वो एक्चुअली बैंकों से लोन लेते नहीं है, वो तो जो बैंक के जो बनिए वगैरह होते हैं महाजन वगैरह होते हैं उनसे लोन लेते हैं साहूकार वगैरह से, तो उनका लोन थोड़ी माफ़ हुआ। लोन तो उन्हीं लोगों का माफ़ हुआ ना जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, और जबकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं गाँव के वो तो एक्चुअली उधार लेते हैं इधर से कि हाँ भाई यार उधार दे दो जब फसल हो जाएगी तो हम आपको चुका देंगे, तो उनका तो वापस चुकता नहीं हुआ ना। तो इसलिए सिस्टम को गलत दिया जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट अगर किसानों का लोन माफ़ कर रही है ना तो उससे नुकसान ही होता है। एक तो कि जो लोग जिन किसानों ने अगर अपना पैसा दे दिया हो, जिन किसानों ने अपना लोन का जो भी पैसा था वो वापस जमा करा दिया बैंकों में, वो क्या सोचेंगे अगली बार कि यार अगली बार हम पैसा देंगे नहीं बैंक को, पहले क्यों पैसा देंगे, हमने तो पैसा दिया और लोन माफ़ कर दिया तो हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए, जिन किसानों ने पैसा नहीं जमा कराया उनका लोन माफ़ कर दिया गया, इससे बेटर है कि हम भी लोन माफ़ करवा लेंगे, अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे तो हम भी इस मेथड को यूज़ कर लेंगे। तो इससे एक तो किसान है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस चीज़ का मिसयूज़ है वो करने लग जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि मैक्सिमम लोन है वो तो एक्चुअली इनफॉर्मल सेक्टर से ले जाता है ना कि बैंक वगैरह से ले जा रहा है, तो इससे किसानों को प्रॉपर बेनिफिट है उन्हें मिले। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, देखो इस बार फसल खराब हो गई तो गवर्नमेंट ने लोन माफ़ कर दिया,
पैसे लोगों के, मतलब जो लोन था उसको माफ़ कर दिया, अगले साल फिर अगर फसल ख़राब होगी तो फिर पैसे दे दिए, तो उससे सोल्यूशन थोड़ी निकला। गवर्नमेंट को पहले उन रीज़न को आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि भाई गवर्नमेंट किसानों की इनकम को क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। गवर्नमेंट को जिससे दूसरी तरफ फोकस करना चाहिए, दूसरी चीज़ किस तरफ, जैसे गवर्नमेंट को जो किसानों को जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना, जैसे कि सिंचाई के साधन हुए वो प्रोवाइड करवाए जाएँ, या फिर उनको नहर वगैरह बना के दी जाएँ, या फिर उनको बीज वगैरह दिए जा सकें, या फिर उनको नई टेक्निक वगैरह वो प्रोवाइड करवाए जाएँ, नई स्किल वगैरह दी जाए, और जो भी उनकी लैंड वगैरह में सोयल वगैरह में जिसकी क्वालिटी की कमी है, पोटेशियम वगैरह की, पोटास वगैरह हो या फिर कैल्शियम वगैरह की, उसको दूर हो वो किया जाए। तो यहाँ पे मेन फोकस हमें यह करना चाहिए कि हमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना किसानों के लिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। लोन को माफ़ करने से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो वही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखो शुगर इंडस्ट्री है ना, इसका गवर्नमेंट ने अभी जो बकाया था वो तो दे दिया है, बट इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, फिर ये प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। बेटर ये है कि गवर्नमेंट को जो अच्छी क्वालिटी के उपकरण वगैरह हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि शुगर इंडस्ट्री में जो लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो जाए और जो प्रॉफिट है वो बचता रहे। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखो अभी रिसेंटली हो क्या रहा है, शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर प्रोड्यूस की जाती है ना, उसको पर केजी प्रोड्यूस करने में लगभग जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 35 रुपीज़ के आसपास। खैर आपको एक्जैक्टली याद व्याद तो नहीं रखना है, बट आपको बता रहा हूँ कि 35 रुपीज़ के आसपास जो कॉस्ट है वो लग रही है, जबकि हमें आपको पता है कि शुगर मिलती है काफ़ी सस्ती रेट में उससे भी, क्योंकि गवर्नमेंट का और खर्चा भी होता है प्रोड्यूस एक तरीके से, जब भी शुगर प्रोड्यूस की जा रही है उसके बाद उसको मार्केट तक लाना, उनका प्रॉफिट वगैरह भी देखा जाए, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सस्ती दी जा रही है। तो वो बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो गवर्नमेंट अगर इस तरीके से उनको पैसे देती रहेगी ना, तो इससे गवर्नमेंट पे बोझ बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट पे बोझ कैसे बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो पैसा है ना वो इस तरह की सब्सिडी वगैरह में ऐसे पैसे में चला जाएगा जिससे गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वो नहीं कर पाएगी। अब आपको पता है अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं चला पाएगी, गवर्नमेंट और सारी स्कीम है वो नहीं चला पाएगी, और इकोनॉमी पर क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा ऑब्वियसली। अब इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या होगा, हमारे देश की GDP वो नीचे जाएगी, तो ऑल ओवर हमें सभी लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। तो बेटर यह होगा कि गवर्नमेंट को जो जरूरत की चीज़ें हैं ना उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि लोन माफ से सोल्यूशन है वो यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद में बात की जा रही है वोट बैंक की, कि देखो वोट बैंक के चक्कर में जो राजनीतिक पार्टियाँ जो खेल खेलती हैं कि भाई अगली बार इलेक्शन आने वाला है तो हमें जीतना है, वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट अगर उसने लोन माफ़ कर दिया, अगर इनकेस ऑफ फ्यूचर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं है। इसके बाद में एक दूसरा रीज़न एक ये भी दिया जाता है कि देखो तो शुगर इंडस्ट्री में जो गन्ना यूज़ किया जाता है ना, उसकी डिमांड एक दूसरी जगह भी होती है गन्ने की, वो होती है एल्कोहल इंडस्ट्री में। और आपको पता है कि एल्कोहल का जो यूज़ है वो एक्चुअली एथेनॉल के थ्रू, आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जा रहा है आजकल, गवर्नमेंट उसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो एक जो शुगर है, एक शुगर कैन है मतलब गन्ना है, उससे एल्कोहल भी बनाया जाता है। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसे सोच रही हैं कि यार क्यों ना हम जो किसान वगैरह वो ये सोच रहे हैं कि हम जो गन्ना है वो शुगर इंडस्ट्री की बजाय हम वो गन्ना दे देते हैं एल्कोहल इंडस्ट्री को, ताकि वहाँ से हमें मोटा पैसा मिल सके, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में गन्ना देना पड़ता है उनको सस्ता, जबकि एल्कोहल इंडस्ट्री में उनको पैसे पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को दिक्कत आ जाएगी कि हमारे देश में शुगर इंडस्ट्रियाँ वो खतरे में पड़ जाएंगी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो भी शुगर कैन का अगर जो यूज़ कर लिया जाता है, अगर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर कैन का, उसके बाद उस जो बचा हुआ गन्ना है जो आप बोल सकते हो कचरा टाइप का है, उसका एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहिए, और फिर और अदर विकल्प हैं वो भी हमें निकालने चाहिए। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट का सजेशन है वो दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे सुझाव में या आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन में दिया गया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसमें ये बताया गया है, देखो कई बार किसानों के ऐसा नहीं कि हमेशा ही किसानों को लॉस होता है, कई बार ये होता है कि अच्छी फसल हो जाती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टॉक को मतलब भर लेना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने स्टॉक को फुल कर लेना चाहिए और उसको फिर धीरे धीरे रिलीज करना चाहिए। देखो होता क्या है, अभी अगर ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि आप टमाटर का एग्जाम्पल ले लो, टमाटर ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में तो 10 रुपये किलो आ जाते हैं, वहीं अगर टमाटर की प्रोडक्शन कम हो रही है तो टमाटर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये के तक पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट को यह करना चाहिए अगर ज़्यादा पैदावार हो रही है ना तो उसका स्टॉक कर लें, फिर उसको जो ही अगर अगले साल पैदावार कम हो रही है तो फिर उसको धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ खैर यहाँ पे टमाटर का एग्जाम्पल सही नहीं बैठ रहा, बट गन्ने वगैरह के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर जो खाद्यान्न फसलें हैं वहाँ पर ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई अगर इस बार अच्छी फसल हुई है गेहूं की तो गवर्नमेंट गेहूं का स्टॉक कर ले, फिर हो सकता है कि अगले साल फसल ठीक नहीं हुई तो उसको जो गेहूं स्टॉक किया है उसको धीरे धीरे मार्केट में लॉन्च कर दे, जिससे फार्मर्स को भी पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे और मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है ना वो भी बना रहेगा, मतलब गवर्नमेंट को भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना होगा और एक जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर चलती रहेगी।
इसके बाद में राइटर लास्ट में कह रहे हैं वे फॉरवर्ड में कि देखो जो पॉलिटिकल मूव है ना उससे काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके की पॉलिटिकल स्टेप नहीं उठाने चाहिए। इसके साथ ही आप बात ये की जा रही है, अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दिया गया कि कर्नाटका का, देखो कर्नाटका में भी इलेक्शन हुए हैं, खैर उस इलेक्शन होने से पहले क्या किया गवर्नमेंट ने कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस की कुछ हद तक लगाम लगा के रखी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें लॉस हो सकता है। बट हुआ क्या, जो ही इलेक्शन हुए जो पेट्रोल की डीजल की प्राइस है वो फिर बढ़ गई, तो बढ़ते लोगों को फिर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा। तो इससे बेटर यह कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, गवर्नमेंट को एक तरह से फेयर जो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है उस पर फोकस करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे आया है वो है प्रोटेस्ट के बारे में कि देखो हमारे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना उससे क्या क्या दिक्कत है। राइटर ये बता रहे हैं कि देखो प्रोटेस्ट करना किसी भी चीज़ के लिए, अभी आप गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगें रखना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ये जायज़ बात है कि एक लोग हैं वो अपनी बातें एक साथ ग्रुप में रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हम प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट से उस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत आती है, वो होती है लॉ एंड ऑर्डर की। देखो कई बार क्या होता है प्रोटेस्ट जब भीड़ होती है ना प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता है मॉब लिंचिंग के केसेस हो जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल बता दूँ, कई बार क्या होता है कि कोई लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे भगदड़ वगैरह मच जाती है, या फिर कोई भी जैसे अदर एग्जाम्पल ले लो कि कोई भी एक चोर है, अगर उसने कोई चोरी की तो क्या करते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है और चोर को मारने लग जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, कई बार तो चोर को इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है और वो मर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो ना कि वो अलग बात है कि चोर ने चोरी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट उसकी हत्या करना सही थोड़ी है। इससे बेटर तो ये होता ना कि उसको लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू उसको सज़ा दी जाती तो वो सही काम होता। तो इससे होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं मॉब लिंचिंग के थ्रू कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कि कई बार भीड़ में भगदड़ वगैरह हो गई, किसी ने फालतू की इधर उधर किसी मतलब उली सुली आवाज़ बातें हैं वो फैला दी हो लोगों के सामने, तो उससे क्या होगा माहौल है वो बिगड़ जाता है और इससे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो जाती हैं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करने में पुलिस को काफ़ी सारी दिक्कत का सामना है वो करना पड़ता है। फिर यहाँ पे भी रिसेंटली एग्जांपल दिया गया कि पीसफुल जो प्रोटेस्ट वो होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, एक तो दिया महाराष्ट्र का कि देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको पता है किसानों ने एक प्रोटेस्ट किया था मुंबई में भी कुछ टाइम पहले, प्रीस से पहले की बात है वो, तो उसमें काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट वो किया गया था। तो गवर्नमेंट को भी इस तरीके के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं होती है ना कई बार, उनको गवर्नमेंट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को अपने जो राइट्स हैं और जो प्रॉपर डिसीजन है वो सामने लेकर आना चाहिए। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट भी फेयर डिसीजन वो नहीं ले पाती है और ऐसे माहौल में लोगों का गवर्नमेंट पर भरोसा वो नहीं हो पाता है और इसलिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं वो होती हैं। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पे स्टेप में उठाने होंगे, तभी जो प्रोटेस्ट वगैरह से जो इश्यूज़ होते हैं उनसे दूर किया जा सकता है। बाकी लोगों की अपनी मांगें जायज़ होती हैं, वो अपनी मांगें गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट को फिर उनसे मांगना ना मांगना वो एक अलग ही बात है। तो ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में बताए गए हैं। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।